तो आप लोग हमें माफ़ कीजिएगा, कल मैं आप लोगों को डिक्टेशन नहीं दे पाया। सो आज अच्छे से डिक्टेशन लिखिएगा और एरर कमेंट एरर बताइएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाया हूँ, तो जिसको ज़रूरत होगी वो वहाँ से मेरे को डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आप मेरे को भेज सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वैसे भी आप वो क्या बोलते हैं कि साउंड से भी मैच कर सकते हो अगर आप उतनी मतलब कैपेबिलिटी रखते हो तो। खैर ये रही मेरी बात, और स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि पेड़ों से गिरने वाली पत्तियों को जलाना दंडनीय अपराध है। पत्तियां जलाने के संबंध में समय समय पर अदालत और हरित न्यायाधिकरण महकमे से आदेश जारी होते रहे हैं। मानना पड़ेगा कि इस कानून का अमल कराने वाली संस्था में संसाधन और समुचित अमला नहीं होने के कारण पालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। नगर को साफ रखने का जिम्मा निभाने वाले स्थानीय निकाय कूड़े के रूप में पेड़ से गिरी पत्तियों को जला देते हैं। दरअसल इनको जलाने से उत्पन्न प्रदूषण खतरनाक होता है। प्रकृति के अनेक तत्वों का संतुलन बनाए रखने में सूखी पत्तियों की बड़ी भूमिका होती है। पेड़ की हरी पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल हमें ऑक्सीजन देता है और पेड़ों के लिए शर्करा युक्त भोजन उपजाता है। जब पत्तियों का क्लोरोफिल चुक जाता है और वे पीली पड़ जाती है, तब भी उनमें नाइट्रोजन, प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च और शर्करा का खजाना होता है। ऐसी पत्तियों को जलाया जाता है तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बने रसायन उत्सर्जित होते हैं, जिससे वायुमंडल में नमी और ऑक्सीजन नष्ट हो जाता है। इनसे निकलने वाली गैस वातावरण को जहरीली बना देती है। पत्तियों के तेज जलने की तुलना में धीरे धीरे सुलगना अधिक प्रदूषणकारी होता है। इससे वाहनों से निकलने वाले धुएं के बराबर जहर फैलता है। हर शहर में अप्रैल और मई में अर्जुन, नीम, पिपली, इमली, जामुन, ढाक, अमलतास, गुल, मोहर, शीशम जैसे पेड़ से 200 से 250 टन पत्ते रोजाना गिरते होंगे। अगर पत्तों को यूं ही पड़ा रहने दिया जाए तो जमीन का तापमान कम होगा और मिट्टी की नमी बरकरार रहेगी। इनका उपयोग जैविक खाद में बदल कर किया जा सकता है, जिससे 100 टन रासायनिक खाद्य का इस्तेमाल कम किया जा सकता है। सूखी पत्तियां पर्यावरण मित्र हो सकती है। इनको संरक्षित करना सामाजिक जिम्मेदारी है। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा तंत्र है। हर साल रेल
बजट में यात्रियों की सुविधा और रेलवे के रख रखाव के लिए अरबों रुपए दिए जाते हैं। हम और हमारी सरकार बुलेट ट्रेन चलाने की सोच रही है, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। चीन और जापान से मदद ली जा रही है। दूसरी ओर भारतीय रेल व्यवस्था ऐसी है कि लगभग हर 6 महीने में एक ना एक बड़े रेल हादसे की खबर सुनने में आ जाती है। पिछले 9 महीने में कई छोटे बड़े हादसे बहुत हो चुके हैं। छोटे बड़े रेल हादसे एशिया के सबसे बड़े तंत्र की खोखली सच्चाई बताने के लिए काफ़ी है। देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस की दुर्घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें थोड़े से लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसका मतलब यह नहीं है कि सबसे बड़े तंत्र हमारे पास नहीं है। महोदय, जब मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था तब मुझसे प्रशिक्षण के दौरान कहा गया कि किसी एक विषय पर अपनी टिप्पणी प्रकट कीजिए, तो मैंने अपना तर्क देने के लिए गैट वार्ता को चुन लिया था। गैट यानी आयात निर्यात एवं व्यापार पर आम संधि जनवरी 1948 से प्रभाव में आई। आजकल इस संधि के तहत वार्ताओं का 8वां दौर चल रहा है। यह दौर 1986 से शुरू हुआ और 1990 में समाप्त हो जाना चाहिए था, किंतु यूरोपीय समुदाय और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मतभेद पैदा हो जाने की वजह से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तब गैट के महानिदेशक श्री डंकल ने समझौते हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया। यही वह डंकल प्रस्ताव है जिसका डंका आजकल दुनिया में बज रहा है। डंकल प्रस्ताव की एक और अनूठी बात यह है कि आज तक विकासशील देशों को अपने अंदरूनी बाजार की सुरक्षा की जो छूट थी उसे समाप्त करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। तीसरी अभूतपूर्व बात यह है कि पहली बार संपदा संबंधी अधिकार को इसमें स्थान मिला है। खेती में इन तीनों के मिले जुले असर गंभीर और दूरगामी हो सकते हैं। खेती हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। हमारे देश के अधिकतर लोग खेती द्वारा रोजगार पाते रहे हैं। हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा
खेती से प्राप्त होता है। गरीब देश होने के नाते भारत की अधिकतर आबादी अपनी आमदनी का बड़ा भाग अपने भोजन पर खर्च करती है। इसके अलावा हमारे कई उद्योग भी खेती से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर हैं। खेती मात्र आर्थिक गतिविधियां न होकर हमारे लिए एक सांस्कृतिक परंपरा हो गई है। यदि देखा जाए तो डंकल प्रस्ताव मूलतः उत्तर में स्थित विकसित देश का हित साधक है। चलिए दोस्तों, ये आज का डिक्टेशन 85 वर्ड्स पर मिनट का था। आज इसलिए किया क्योंकि जो 80 वाले हैं उन लोगों को भी लिखे, और ये बहुत ही अच्छी डिक्टेशन है। थोड़ा इसको मॉडरेट टू हाई में मैं कैटेगराइज करूँगा, लेकिन अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अपने आप को उस हिसाब से डालना होगा। मुझे पता है कि इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको इन सब चीज़ों की तैयारी कर लेनी चाहिए। बाकी मैं फिर कर लाऊँगा तो वो ईजी रहेगा, उसको भी लिखिएगा और दोनों को बैलेंस बना के रखिएगा। चलिए इतना तो कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते इतना कीजिएगा तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और आप लोगों के लिए डिक्टेशन देते रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।